जी अपना परिचय देंगे। जितेंद्र सिंह सोच छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय। किस तरह की शिकायत आप लोग किसे करने जा रहे हैं? शिकायत बहुत दिनों से हम लोग कर रहे हैं संस्कृत विषय को लेकर के। संगीत एवं मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत का एक पद था जिसको विस्थापित किया जा रहा है। 2020-21 के नई शिक्षा नीति में जहाँ स्वदेशी भाषाओं को अपनाने की बात कही जा रही है, वहीं लगातार यहाँ से हटाया जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है। हमारे यहाँ एक संस्कृत का पद है, उसको भी हटाया जा रहा है और सारे ग्रंथ पहले से लेकर और 18वीं शताब्दी तक के सारे ग्रंथ जो है वो संस्कृत भाषा में हैं। संस्कृत के जब शिक्षक नहीं होंगे तो उनको कौन पढ़ाएगा, हम लोग कैसे पठन पाठन करेंगे? इस समस्याओं को लेकर के हम लोग लगातार जो है संकाय प्रमुख को, वाइस चांसलर को हम लोग आवेदन देते रहे हैं, लेकिन यहाँ लोग सुन नहीं पा रहे हैं। इसलिए आज हम आवेदन को पत्र के माध्यम से, डाकघर के माध्यम से मंत्रालय को भेज रहे हैं, MHRD मंत्रालय, UGC को भेज रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कार्यालय भेज रहे हैं, गृह मंत्रालय भेज रहे हैं। मेरा नाम अभिषेक कुमार शुक्ला है। अभिषेक जी, ये बताइए कि संगीत की शिक्षा ग्रहण के लिए संस्कृत कितनी आवश्यक है? संगीत की शिक्षा के ग्रहण के लिए हमारी संस्कृत बहुत ही आवश्यक है, कि कहा गया है हमारे शास्त्रों में मम संस्कृत भाषा एक मातृभाषा बहुती, ये हमारी एक मातृभाषा है। संस्कृत भाषा हमारी संगीत शास्त्र के लिए बहुत ही अनिवार्य है और संगीत शास्त्र भी हमारा बहुत ही प्रवीण है, क्योंकि हमारे पुराने जैसे प्रसिद्ध तानसेन जी ने अपने संगीत शास्त्र के माध्यम से ही दीप प्रज्वलित किए थे। इसीलिए हमारे संगीत शास्त्र का भी बहुत बड़ा महत्व है और संस्कृत भाषा का संगीत शास्त्र में ना होना ये बहुत ही असंभव चीज़ है। इसलिए संस्कृत भाषा को होना बहुत ही अनिवार्य है। हमारे संस्कृत विभाग में जिसका हम लोगों ने 26 तारीख को एक आवेदन किया था, वो भी हमारा पूरा नहीं हो सका। इसलिए हम लोग दोबारा भी इस पत्र को आवेदन प्राइम मिनिस्टर तक और मिनिस्टर कार्यालय तक पहुँचाने का अनुग्रह करते हैं आप लोगों से। आंदोलन हम लोग इसके आगे फिर आंदोलन भी करेंगे अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। इसलिए हम यही चाहते हैं कि हमारी संस्कृत भाषा पर विशेष महत्व दिया जाए।